पिछली बार आपने देखा कि कैसे नितिन अपनी ज़िंदगी से हताश था। वो अपने SSC के एग्ज़ाम में भी फेल हो गया था और फिर जब एक रात वो सोता है और सुबह उठता है तो वो 16 साल का हो चुका था और वो अपनी 10th क्लास में था। अब आगे नितिन वहीं अपने बेड पर बैठ जाता है और ये सब कुछ जो हो रहा था उसे समझने की कोशिश करता है। उसने अपने आप को चोटी काटी, अपने मुँह पर पानी फेंक कर मारा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। पर ये सब कोई सपना नहीं था, वो सही में एक बार फिर से 16 साल का हो गया था। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसकी मम्मी की आवाज़ फिर से आती है, नितिन। तब नितिन सब कुछ सोचना बंद करता है और जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश होता है और वापस बाहर आकर अपना कबर्ड खोलकर देखता है तो उसकी यूनिफॉर्म उसके हैंगर पर टंग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे याद था। वो अपनी यूनिफॉर्म को छूकर देखता है और उसे अपने सभी 10th क्लास में बिताए दिन याद आने लगते हैं, उसके सभी दोस्त याद आने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त विवेक भी उसके साथ स्कूल जाया करता था। तब नितिन जल्दी से अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और अपने बैग में बुक्स और कॉपी रखकर भागते हुए नीचे आता है। नीचे उसकी मम्मी ने उसके लिए उसका लंच बॉक्स तैयार किया था और उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी रख दिया था। वो नीचे आकर पूछता है, मम्मी पापा और सीमा कहाँ गए? तो उसकी मम्मी बोलती है, सब तेरी तरह लेट थोड़ी आते हैं, तेरे पापा सीमा को उसके स्कूल छोड़कर वहीं से दुकान चले जाएंगे। नितिन ये सब सुनकर और देखकर बस मुस्कुरा रहा था। तब उसकी मम्मी उसे स्माइल करते हुए देख लेती है और वो उसे गुस्से में कहती है, मुस्कुरा क्या रहा है, जल्दी खा और जा। तब नितिन जो कुछ भी सोचकर हंस रहा था उसे छोड़कर अपनी मम्मी के डर से लंच अपने बैग में रखता है और एक रोटी के ऊपर थोड़ी सी सब्जी रखकर उसे रोल कर लेता है और उसे खाते खाते जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। वो खाते खाते भाग रहा था तभी पीछे से एक लड़का स्कूल ड्रेस में तेजी से साइकिल चलाते हुए ठीक साइकिल नितिन के साइड में रोकता है और विवेक को देखकर नितिन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए बोलता है, कमीने तू भी लेट हो गया। तब विवेक बोलता है, तेरी वजह से लेट हुआ हूँ, कल रात मैं बोल रहा था जल्दी घर चल ले पर तू ही नहीं माना और मुझे सोने में देरी हो गई और सुबह आँख ही नहीं खुली। नितिन हंसते हुए अपनी हाथ की रोटी का रोल जो वो खा रहा था उसे विवेक को दे देता है और विवेक उस रोटी को खाते हुए साइकिल के पीछे बैठ जाता है और नितिन वो साइकिल पूरी तेजी से चलाना शुरू करता है। नितिन एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आसपास देखते हुए तेज तेज साइकिल का पैडल मार रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। वो अपनी साइकिल को स्कूल के साइकिल वाली जगह पर खड़ा करके दूर से ही ग्राउंड की तरफ देख रहे थे। ग्राउंड में सुबह की प्रेयर चल रही थी और जो बच्चे देरी से आ रहे थे उन सभी को एक टीचर अलग खड़ा कर रहा था। तो विवेक नितिन को बोलता है, अरे यार आज पहले दिन ही देर हो गई, ये शर्मा आज बहुत मारेगा। तब नितिन उसे बोलता है, चल स्कूल के पीछे चलते हैं, दीवार से कूदकर अंदर आ जाएंगे और सीधा क्लास में बैठ जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो विवेक और नितिन दोनों ही स्कूल के पीछे जाते हैं और स्कूल के पीछे दीवार से लगकर कुछ ठेले वाले खड़े होते थे जो अपना ठेला रात को खंबे से ताला मारकर वहीं छोड़ जाते थे और इतनी सुबह तक कोई आता नहीं, तो वो दोनों उस ठेले के ऊपर चढ़कर दीवार पार करके स्कूल के अंदर आ जाते हैं और चुपचाप अपनी नई 10th क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। नितिन क्लास में घुसते ही अपनी क्लास को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो अपनी पुरानी यादों में अपनी क्लास को याद किया करता था। विवेक अपना बैग सबसे लास्ट की सीट पर रख देता है और तभी नितिन कहता है, कसम से कितनी याद आई यार ये क्लास। ये सुनकर विवेक बोलता है, अबे कौन से नशे में है, पहली बार तो इस क्लास में आए हैं। नितिन कुछ नहीं बोलता और बस मुस्कुराते हुए अपना बैग विवेक के बैग के साइड में रख देता है। कुछ देर बाद मॉर्निंग प्रेयर खत्म होती है और सभी बच्चे क्लास में आ जाते हैं। सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और नितिन ये सभी देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में अपनी 10th क्लास में वापस आ गया था। अब सुबह से तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होने की वजह से और सब कुछ जल्दी जल्दी होने की वजह से नितिन कुछ सोच नहीं पा रहा था, पर अब जब वो क्लास में बैठा इस बारे में सोच रहा है कि ये सब हुआ कैसे, क्या किसी पैरानॉर्मल चीज ने उसके साथ ये किया या कोई गॉड उस पर नजर रखे हुए था जिसने उसकी कॉन्शियसनेस को उसके पुराने शरीर में डाल दिया या फिर उसके कोई पितृदेव उस पर इतने ज्यादा मेहरबान हुए कि उसकी अनएम्प्लॉयड हालत को देखकर उन्होंने उसे एक और मौका दिया और उसके पुराने शरीर में डाल दिया। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस यही सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसे ही एक और मौका क्यों मिला। और तभी उसकी क्लास में उसकी इंग्लिश टीचर जो कि उसकी क्लास टीचर भी है वो आती हैं। बच्चे टीचर को देखकर खड़े होते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं और टीचर के गुड मॉर्निंग रिस्पॉन्स के बाद सभी बच्चे बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही बाकी के सब्जेक्ट पीरियड भी होते हैं और तब आता है लंच ब्रेक से जस्ट पहले फिजिक्स का पीरियड। टीचर जैसे ही क्लास के अंदर आता है नितिन को याद आता है अपना 10th का वो पहला दिन जब टीचर ने पहले ही दिन उससे उसकी 9th क्लास का एक क्वेश्चन पूछा था जिसका वो जवाब नहीं दे पाया था और टीचर ने उसकी काफी बेइज्जती की थी ये कहकर कि तुम्हें पिछली क्लास का कुछ नहीं आता, कुछ पता सता है नहीं, पता नहीं कैसे तुम पास हो गए। पिछले साल इसी टीचर ने यानी मिस्टर तिवारी ने ही 9th क्लास को फिजिक्स पढ़ाई थी और पेपर्स भी चेक किए थे और उसने नितिन को ये भी कहा था, तुमने जरूर चीटिंग की होगी तभी तो तुम पास हो गए, वरना तुम्हारा पास होना मुश्किल था और अगर उसके हाथ में होता
यानी अगर वो उसका क्लास टीचर होता तो उसे कभी भी आगे पास करके प्रमोट ना करता। और ये सब उस टीचर ने सबके सामने पहले ही दिन उससे कहा था, और ये बात नितिन को हमेशा याद रह गई थी, जैसे ये इंसिडेंट उसके दिमाग में छप सा गया था। तभी तुरंत नितिन अपनी फिजिक्स की बुक निकालता है और स्पीड वाला चैप्टर खोलकर वहां से स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जल्दी जल्दी जितना हो सके पढ़ने लगता है, क्योंकि पिछली बार उस टीचर ने स्पीड और वेलोसिटी का ही क्वेश्चन पूछा था। तब टीचर कहता है, तो नए साल के लिए एक्साइटेड हो? तो बच्चे एक साथ यस सर कहते हैं। तब मिस्टर तिवारी कहते हैं, ठीक है तो पहले तुम्हारी पिछले साल की थोड़ी सी नॉलेज चेक कर लेते हैं कि देखते हैं कितना याद है तुम्हें। और तभी नितिन विवेक को कहता है, देख अब स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। और तभी टीचर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? और ये सुनते ही आधे बच्चे अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और विवेक एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नितिन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, वाह गुरुदेव क्या बात है, अब आंसर भी बता दो। नितिन विवेक को आंसर बता ही रहा होता है तभी टीचर जोर से कहता है, नितिन खड़ा हो जा, चल बता आंसर क्या है। नितिन के ठीक सामने काफी बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए थे जिनकी वजह से नितिन और विवेक दिखाई तक नहीं दे रहे थे, पर तब भी मिस्टर तिवारी ने बिना देखे ही नितिन का नाम लेकर उससे आंसर पूछा। नितिन धीरे से खड़ा होता है और बाकी के सभी बच्चे अपने हाथ नीचे करके नितिन की तरफ देखने लगते हैं। नितिन धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, सर वो हिंदी में बता दो, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मिस्टर तिवारी कहते हैं, तेरे से उम्मीद भी कोई नहीं है बेटा, तू हिंदी में बता दे। टीचर की ये बात सुनकर आगे बैठे कुछ बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। ये वही बच्चे थे जिनके ज्यादा नंबर आते हैं और मिस्टर तिवारी उन्हें पर्सनली पसंद भी करते हैं। तब नितिन धीरे से आंसर देना शुरू करता है, स्पीड ये मेजर करने का तरीका है जिसमें एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, और इसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में ये है कि स्पीड और डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है। और तभी मिस्टर तिवारी बोलते हैं, डिस्टेंस तो स्पीड में भी मेजर किया जाता है बेटा। तो तभी नितिन कहता है, नहीं नहीं सर सॉरी, डिस्टेंस नहीं मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है अगर स्पीड सेम है पर डायरेक्शन अगर बदल जाती है ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, और इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये सुनकर मिस्टर तिवारी बोलते हैं, बढ़िया बैठ जा, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, पढ़ के आया है, चल बढ़िया। और तब मिस्टर तिवारी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए जो भी नितिन ने बोला उसे इंग्लिश में बोलते हुए बच्चों को फिर से बताने लगते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल्स के साथ। और नितिन के बैठते ही विवेक कहता है, उस्ताद जी पढ़ने लगे हो तो हमें भी बुला लिया करो। और नितिन मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा हमारे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। और विवेक कहता है, बाप बोला कर मुझे, बेटा तू है मेरा। और ऐसे ही एक दूसरे के बाप बेटे बनने के बाद उनका वो पीरियड भी खत्म हो जाता है। और अब आता है लंच ब्रेक। लंच में नितिन और विवेक दोनों ही अपना अपना लंच करके बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और यूं ही एक दूसरे को भाग भाग कर पकड़ने लगते हैं। नितिन हैरान था कि उसे भागते हुए इतना हल्का महसूस हो रहा था, वो तेज था और भागते हुए उसकी सांस भी नहीं फूल रही थी। जब से उसने SSC की पढ़ाई शुरू की थी और कोचिंग जाना शुरू किया था उसके बाद से उसे याद भी नहीं कि उसने रनिंग कब की थी या फिर कोई गेम कब खेला था। वो सारा दिन या तो घर पर बैठा रहता था या फिर कोचिंग और लाइब्रेरी में। तो आज जब वो ग्राउंड में भाग रहा था वो अपनी पूरी स्पीड से भाग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और सर के ऊपर बहुत तेज धूप पड़ रही थी, पर फिर भी नितिन एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उस ग्राउंड में भागे जा रहा था। उसे उसके शरीर में कोई थकान तक महसूस नहीं हो रही थी। और तब उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा करने में अपनी आधी जिंदगी दे दी जिसे करने में ना तो उसे मजा आया और ना ही वो उससे कभी हुआ। वो कुछ भी दूसरा काम अपनी लाइफ में कर सकता था पर वो बस ऐसी चीज के पीछे पड़ा रहा जो उसे लगता था कि उसे करने के बाद ये समाज उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर अब उसके दिल और दिमाग में एक नई उम्मीद थी, उसे एक नया मौका मिला था अपनी जिंदगी को बदलने का, कुछ बेहतर करने का। और ये सोचते हुए ही नितिन ग्राउंड में भागे जा रहा था और तभी उसे अपनी आंख के बिल्कुल साइड से कुछ दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे ग्राउंड के दूसरी तरफ वही आदमी खड़ा है जो उसे आज सुबह उठने से ठीक पहले दिखाई दिया था। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो वहां ऐसा कोई भी नहीं था, बस बाकी दूसरे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। नितिन भागते भागते रुक गया, उसके शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी गर्दन पर एकदम ठंडा पसीना आ रहा था। और तभी विवेक नितिन को पकड़ते हुए कहता है, आउट है अब तेरी बारी। और विवेक के पकड़ते ही नितिन नॉर्मल हो जाता है और इस चीज के बारे में सोचना बंद करता है और हंसते हुए विवेक के पीछे भागने लगता है। स्कूल की छुट्टी होती है और विवेक और नितिन दोनों ही स्कूल के बाहर से आइसक्रीम खरीदते हैं और खाते हुए पैदल पैदल चलने लगते हैं। और साइकिल को नितिन ने अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में आइसक्रीम और उसके साइड में विवेक चल रहा था। तभी नितिन विवेक से पूछता है, तूने सोचा है कि तू आगे क्या करेगा?
विवेक जो अपनी आइसक्रीम को टपकने से बचा रहा था और उसे नीचे से खाते हुए कहता है, मतलब? तो नितिन कहता है, अरे मतलब 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेगा या फिर बड़े होकर क्या बनने की सोची है? तो विवेक कहता है, पता नहीं यार, कुछ खास सोचा नहीं है। पापा बोलते रहते हैं या तो यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरवाएंगे, और ये नहीं किया तो 12वीं के बाद पापा के साथ उस भंगार की दुकान पर बैठना पड़ेगा। तो नितिन हंसते हुए कहता है, साले भंगार की दुकान नहीं है वो, तेरे बाप का बिजनेस है। उसी से तेरे बाप ने तुम्हारे बस का बिजनेस और मेन मार्केट में 4 दुकान खरीदी हैं। साले उसे दुकान नहीं बिजनेस बोलते हैं। तो विवेक कहता है, अरे तो क्या हुआ यार, साला जो देखो आंडा पांडा मेरे बाप को पीठ पीछे भंगार वाला कहता है। मैंने बचपन में सोच लिया था भाई, पापा के इस बिजनेस में तो मैं जाऊँगा नहीं। और मन ही मन में नितिन मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि विवेक अपने पापा का बिजनेस ही संभालेगा, क्योंकि विवेक और नितिन ने जब अपना कॉलेज कंप्लीट किया था तभी से विवेक उसके पापा के साथ उनके बस चलवाने के बिजनेस में काम करने लग गया था। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर नितिन देखता है तो उसकी छोटी बहन टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। उसे देखकर नितिन को ठीक से यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन सही में इतनी छोटी हो गई थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, और जब सीमा ये देखती है तो उसे देखकर कहती है, हंस क्यों रहा है? नितिन कहता है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तब उसकी बहन हल्के से रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मम्मी देख लो मुझे चिढ़ा के हंस रहा है ये। नितिन की मम्मी किचन से बाहर आते हुए कहती है, दोनों आते ही लड़ने लग गए। और तब वो नितिन को कहती है कि हाथ मुंह धोकर चल खाना खा ले। नितिन खाना खाकर अपने रूम में ऊपर चला जाता है और कपड़े चेंज करके अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। तभी उसे याद आता है कि 10th में तो उसके पास वो कीपैड वाला फ़ोन था जो उसके पापा ने उसे 9th क्लास में दिलवाया था। नितिन उस फ़ोन को ढूंढने लगता है और वो उसे उसके बेड पर तकिए के नीचे मिलता है। नितिन ने जल्दी से फ़ोन उठाया और उसमें सबसे पहले उसने हंसते हुए फेसबुक खोली, जिसे देखकर नितिन को बहुत हंसी आ रही थी। उसे अपने वो सभी दिन याद आ रहे थे जब वो 25 वाला 2G इंटरनेट रिचार्ज करवाया करता था ताकि उसमें वो फेसबुक चला सके और कुछ गेम्स और सॉन्ग्स डाउनलोड कर सके। काफी देर तक फेसबुक चलाने के बाद नितिन के दिमाग में अचानक से एक चीज आती है कि क्या हो अगर वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे अभी, और जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तब उसके पास काफी पैसे होंगे। और ये सोचते ही नितिन अचानक से शॉक में खड़ा हो जाता है और अपने ही कमरे में घूमते हुए सोचने लगता है। उसने कभी भी स्टॉक्स में दिलचस्पी नहीं ली थी तो उसे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए, पर कुछ बड़ी कंपनी के नाम उसे पता थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जैसे कि जियो। और इसके अलावा उसे कुछ खास पता नहीं था। उसे इतना पता था कि 2016 के बाद से जियो काफी बड़ी कंपनी हो गई थी और अभी चल रहा है 2013, यानी उसके पास काफी टाइम था। और उसे एक चीज के बारे में और पता था जो सबसे ज्यादा पीक पर गई थी और सब जगह उसी की बात होती थी, और वो था बिटकॉइन, जो कि 2013 में इतना फेमस नहीं हुआ था पर आगे होने वाला था और उसके प्राइस भी बढ़ने वाले थे। तो उसने सोचा कि अगर वो जियो की कुछ शेयर्स और एक दो बिटकॉइन भी खरीद लेता है तो फ्यूचर में उसकी लाइफ की पैसों की प्रॉब्लम तो खत्म।